विद्यार्थी मित्रों, लेप्यून 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर में पहला लेसन है द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और ये सलीम अली का जो है ये बहुत ही रसप्रद इंटरेस्टिंग लेसन है। और इसमें आप देखेंगे ये एक जो पक्षियों का शिकार करने वाला है वह किस तरह से पक्षियों का एक प्रेमी बन जाता है उसके बारे में बताया गया है। और आप देखेंगे कि सलीम अली बचपन में ही अनाथ हो गए और अनाथ होने के बाद इनका पालन पोषण इनके मामा मैटरनल अंकल ने किया। और बाद में इनको जैसे पक्षियों के बारे में इनका इंटरेस्ट बताया गया है कि एक बार इन्होंने किसी एक पक्षी को शूट किया और जो पक्षी गिर गया तो देखा उनका गला जो है उसका थ्रोट वो येलो था, तो इनको उसको जानने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने अपने मामा से पूछा कि ये कौन सा पक्षी, इसका नाम क्या है, और वो भी नहीं बता पाए। लेकिन इनकी जिज्ञासा को उन्होंने के आधार पर जानने के लिए वे BNHS वहाँ पर गए इनको लेकर के, और उस संस्था के अंदर इन्होंने उसके बारे में जाना। और वहाँ से सलीम अली को एक इस तरह से इंटरेस्ट हुआ या एक तरह से उनको लगाव हुआ कि वह पक्षियों के बारे में और अधिक अभ्यास करेंगे। इसमें शब्द ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी वो एक पक्षी शास्त्री बनेंगे, ऐसा उन्होंने इस तरह से अपने मन में विचार किया। तो इस तरह से इन पर जो है एक बायोग्राफी इनकी जो यहाँ पर दी गई है आत्मकथा, तो देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप देख पाएंगे यहाँ पर ये एक यहाँ पर जो पक्षी है उसका बर्ड का जो है यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। इसके जैसे आप सबसे ऊपर देख रहे हैं इसके अंदर तो ग्रेटर विंग है, फिर मीडियम विंग है, लेसर विंग है यानी जो उसके पंखे होते हैं उड़ने के उसमें बड़े, मध्यम और छोटे। उसके बाद इसकी बीक जो चांच इसकी है, उसकी ब्रेस्ट छाती जो इसका है, और उसके बाद थ्रोट गला इसका। तो ऐसे आप इसके पार्ट्स जो है आप लगभग जानते ही हैं, अपने आसपास के पक्षियों को आप लोग देखे हैं, तो उसी के आधार पर ये बताया गया इनकी टेल पूंछ इसकी है, बैक पीछे का भाग है। तो ये आपको खाली यहाँ पर इंट्रोडक्शन के रूप में दिया गया है। अब देखते हैं इसके अंदर लेसन में आप देख पाएंगे इसके अंदर देर आर मैनी बर्ड्स अराउंड अस विदर इट्स ए सिटी और अ विलेज। हमारे आसपास बहुत सारे पक्षी देखने को मिलते हैं, चाहे ये शहर हों अथवा तो गांव हों। मोस्ट ऑफ अस लाइक वॉचिंग कलरफुल बर्ड्स, हम में से बहुत लोग पसंद करते हैं रंग बिरंगे पक्षियों को देखना। हाउएवर देयर वॉज अ मैन हु वॉज सो इन्वॉल्व्ड इन दियर स्टडी दैट ही वॉज निकनेम्ड द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और यहाँ पर इसके बावजूद एक व्यक्ति की बात कही गई है कि जो इतने इन्वॉल्व थे, इतने लीन थे पक्षियों के अभ्यास में कि उनका निकनेम जो है, उपनाम रख दिया गया द बर्ड मैन ऑफ इंडिया रख दिया गया। द नेम डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन अब्दुल अली इनका नाम था इज सिनोनिमस विथ बर्ड्स, यानी उनका जो पक्षियों के एक पर्याय था, पर्यायवाची शब्द जो है अगर कहें पक्षियों का तो वो सलीम अली था। ही मेड बर्ड्स ए सीरियस परस्यूट, उन्होंने पक्षियों के बारे में बहुत ही गंभीर प्रयास किया उनको जानने के लिए, समझने के लिए। वेन इट यूज टू बी मेयर फन फॉर मोस्ट, जबकि बाकी लोग जैसे हैं वह कुछ आनंद प्राप्त करने के लिए इन पक्षियों का के बारे में जानने का प्रयास करते थे, लेकिन उन्होंने गहराई से पक्षियों को जानने का प्रयास किया। ऑर्फन, यहाँ पर ऑर्फन शब्द दिया है, लॉस्ट हिज पेरेंट्स यानी अनाथ हो जाना। एट वेरी यंग एज, बहुत ही बचपन में, बहुत ही कम आयु में वह अनाथ हो गए। सलीम अली वॉज ब्रॉट अप, उनका पालन पोषण किया गया बाय हिज मैटरनल अंकल। यहाँ पर मैटरनल अंकल का मतलब हुआ जो है माँ के भाई यानी मामा, उनकी मामा के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। एज ए चाइल्ड, बचपन में सलीम वॉज गिवन ए एक्सपेंसिव एयर गन, उनको एक बहुत ही महंगी एक्सपेंसिव एयर गन दी गई एज ए प्रेजेंट गिफ्ट के रूप में। एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम शूटिंग स्पेरोस, और उसके द्वारा वह स्पेरोस यानी गौरैया चकली जो होती है, तो वह इन स्पेरोस को शिकार करने में ज़्यादा समय वह उस एरोगन से उपयोग करते थे या समय बिताते थे। अराउंड द हाउस, अपने घर के आसपास। वन डे ही नोटिस्ड दैट वन ऑफ द स्पेरोज
ही हैड शॉट, एक दिन उन्होंने ध्यान दिया, उनको ध्यान में आया कि एक पक्षी जिसको उन्होंने शॉट यानी मार दिया, एट हेड अ येलो थ्रोट, उस पक्षी का जो येलो थ्रोट है वो येलो था, पीला था उसका गला था, ऐसा उनको ध्यान में आया। ही कुडंट होल्ड, यानी वह अपने आप को संभाल नहीं या रोक नहीं पाए, हिज क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, एंड अप्रोच्ड हिज अंकल, अपने मामा के पास तुरंत पहुंच गए उस पक्षी को जानने के लिए। हिज अंकल हु वाज इक्वली क्ल्यूलेस, यहाँ भी क्ल्यूलेस का मतलब हुआ नो इन्फॉर्मेशन, उनके मामा को भी उसके पक्षी के बारे में पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, टूक हिम, उनको ले गए टू द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS में, उनको ले गए, एक संस्था थी वहाँ पर, इन द होप, और इस उम्मीद से ले गए ऑफ फाइंडिंग एन आंसर, कि उनको यहाँ पर उसका उत्तर मिल जाएगा। देयर देयर द ऑनरी सेक्रेटरी, और वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ के जो सेक्रेटरी थे WS मिलियर टोल्ड हिम, उन्होंने उनसे बताया दैट द बर्ड वॉज द येलो थ्रोटेड स्पेरो, ये जो पक्षी था इसको येलो थ्रोटेड पीले गले वाला स्पेरो गौरैया या चकली कहा जाता है, ऐसा उन्होंने उनका नाम बताया। मिलियर्ड ऑल्सो टोल्ड हिम, और उन सेक्रेटरी ने उनको और भी बताया अबाउट द वेराइटी ऑफ स्पेरोज, दूसरी पक्षियों के या दूसरे गौरैयों के उनके वेराइटी को बताया, प्रकार को बताया। दैट डे सलीम डिसाइडेड, उसी दिन सलीम ने निश्चित कर लिया दैट ही वॉज गोइंग टू बी एन ऑर्थोनोलॉजिस्ट, अब वो आगे चल करके एक पक्षी शास्त्री, ऑर्थोलॉजिस्ट का मतलब हुआ ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब हुआ पक्षी शास्त्री, तो वह एक पक्षी शास्त्री बनेंगे ऐसा उन्होंने निश्चित कर लिया। नो वन वुड हैव इमेजिन, किसी ने भी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी दैट द बर्ड शूटर, एक पक्षी का शिकार करने वाला वुड बिकम अ बर्ड लवर, एक पक्षी का प्रेमी बन जाएगा, एंड नेचर कंजर्वेटर, और एक प्रकृति को संभालने वाला या सुरक्षा करने वाला बनेगा, प्रोटेक्ट करने वाला बनेगा वन डे, एक दिन। इंक्लिनेशन यानी डिजायर, इच्छा, जो उनकी इच्छा थी, एंड चॉइस, और उनकी जो पसंद थी, ऑफ नोवेल, नोवेल का मतलब न्यू कैरियर ऑप्शन मेड सलीम्स लाइफ फुल ऑफ हार्डशिप, यानी वो जो उनकी एक नई इच्छा उनके अंदर जागृत हुई थी और जो उनकी ये पसंद थी नई, इस वजह से उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा या बहुत सारी कठिनाइयाँ भी मिली। एज अ यंग मैन सलीम हैड टू फेस ईयर्स अनएम्प्लॉयमेंट, उनके युवावस्था में सलीम अली को बहुत दिन तक बेकार रहना पड़ा, बेरोजगार रहना पड़ा। ही मूव टू बर्मा टू लुक आफ्टर द फैमिली माइनिंग एंड टिम्बर बिजनेस, और इसलिए उनको बर्मा जाना पड़ा जहाँ पर उनके परिवार का माइनिंग और टिम्बर लकड़ी का व्यवसाय था, बिजनेस था, उसको देखने के लिए। इट वॉज ए रिवार्डिंग एक्सपीरियंस, ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक अनुभव था, फॉर द नेचुरलिस्ट, प्राकृतिक रूप से एज देयर वेयर इंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट ऑफ बर्मा, बर्मा के जो बड़े बड़े जंगल थे उन जंगलों में पक्षियों का संशोधन करना, उनके बारे में जानना, तो इन सब मानों में उनके लिए बहुत ही लाभदायी रहा। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, और वह जब वापस भारत में लौटे सलीम ट्राइड, तो उन्होंने प्रयास किया टू गेट अ जॉब ऑन ए ऑर्निथोलॉजिस्ट, एक पक्षी शास्त्री के रूप में उन्होंने अपना जॉब लेने का प्रयास किया विथ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का जो प्राणी सर्वे करने वाली संस्था है, तो वहाँ पर उन्होंने नौकरी लेने का प्रयास किया, बट वॉज रिजेक्टेड, लेकिन उनको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया, सिंस ही डिड नॉट हैव एन MSc और PhD डिग्री, क्योंकि उनके पास न तो MSc की डिग्री थे न तो PhD की डिग्री थी। ही डिसाइडेड टू स्टडी फर्दर टू एक्वायर, यहाँ पर दिया है एलिजिबल, यानी वह अपनी योग्यता को प्राप्त करने के लिए, यानी उन्होंने निश्चित किया कि मैं पढ़ करके और इस योग्यता को प्राप्त करूँगा ताकि मुझे काम मिल जाए फॉर द जॉब, उस काम के लिए। सलीम वेंट टू जर्मनी, और सलीम जर्मनी चले गए, एंड गो ट्रेंड अंडर प्रोफेसर स्टेसमैन, और वहाँ जा करके प्रोफेसर स्टेसमैन जो थे, कौन थे वो, एन एक्नोलेज्ड, जो बहुत ही जानकार थे या बहुत ही जो लोकप्रिय भी थे ऑर्निथोलॉजिस्ट इन बर्लिन, बर्लिन के अंदर, तो
उन प्रोफेसर के नीचे जाकर या उनके अंडर में उन्होंने जाकर वहां पर प्रशिक्षण लिया। हाउएवर इसके बावजूद व्हेन ही केम बैक टू इंडिया जब वह भारत वापस आए ही फाउंड आउट तो उन्होंने पाया दैट देयर वर स्टिल हार्डली एनी अपॉर्चुनिटीज इन दिस प्रोफेशन। अब इस व्यवसाय में उनको लगा कि अब इस व्यवसाय में कोई भी प्रोफेशन के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी का मतलब कोई भी अवसर नहीं रहा, यानी इस क्षेत्र में कोई भी अवसर अब नहीं मिला, कोई जगह खाली नहीं थी। अनदर मैन वुड हैव गिवन अप इन डिस्कस्ट और अगर इनकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद वो छोड़ देता या डिस्कस्ट यानी कंटाल करके ऊब करके छोड़ देता कि छोड़ो जाने दो हमको अब सब नहीं करना है। बट नॉट सलीम, लेकिन सलीम ने ऐसा नहीं किया। ही डिसाइडेड टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी, उन्होंने एक अवसर को सृजन करने का प्रयास किया या डिसाइड किया, निश्चित किया कि वो अपने आप जो है एक अवसर अपने लिए बनाएंगे। ही वेंट टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वह BNHS में खुद गए एंड ऑफर्ड और वहाँ पर जाकर उन्होंने ऑफर किया हिज फ्री सर्विसेज, उन्होंने मुफ्त सेवा यानी बिना किसी चार्ज की सेवा करने का उन्होंने ऑफर दिया फॉर कंडक्टिंग रीजनल ऑर्निथोलॉजिकल सर्वे, जो वहाँ पर क्षेत्रीय सर्वे होता था उस सर्वे में काम करने की अपनी तैयारी बताए और उसके लिए किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक या किसी भी प्रकार का वो जो है वेतन लेने का उन्होंने जो है मना किया। से सलीम अली, सलीम अली कहते हैं इट इज़ सेल्डम वन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी इन लाइफ टू डू व्हाट वन वांट्स टू डू, ये बहुत ही भाग्य से बनता है कि कभी भी ऐसा अवसर मिले कि जो व्यक्ति जो चाहता है उसको वही काम मिले, यानी अपना मनपसंद काम किसी को मिले बहुत बड़े भाग्य की बात होती है, ऐसा वे कहते हैं। आई थिंक और मैं भी सोचता हूँ द बेस्ट रिजल्ट आर दोज वेन यू आर डूइंग समथिंग वर्थ वाइल विच यू एन्जॉय डूइंग, आप जब कोई काम कर रहे हो तो उस काम में आपको खूब आनंद आ रहा हो तो अगर आप ऐसा काम करते हो तो बहुत ही आपके लिए अच्छा होता है। विदाउट द मोटिवेशन ऑफ मेटेरियल रिवॉर्ड, किसी भी भौतिक जो है बदले की या भौतिक लाभ के की अपेक्षा रखे बिना अगर आप वो काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है, ऐसा उनका कहना था, मानना था। इट वॉज हिज सिंसियरिटी और यह उनकी प्रामाणिकता ही थी दैट वॉन हिम मैनी अवार्ड एंड मेडल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पद्मश्री एंड पद्म विभूषण, और ये उनकी जो है प्रामाणिकता ही थी कि जो उनको जिसके द्वारा उनको विश्व से या पूरे देश और विश्व से मिलकर के उनको तरह तरह के उनको सम्मान मिले जिसके अंदर पद्मश्री और पद्म विभूषण भी शामिल था। सलीम अली वाज अ ट्रू नेचर लवर, सलीम अली एक वास्तव में या हकीकत में वह एक प्रकृति के प्रेमी थे एंड हिज लव फॉर द वाइल्ड लाइफ इज एक्सप्रेस्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफी, और उनके आत्मकथा के अंदर उनके इस जो है वन्य प्रेम को बताया गया है और उसका नाम है द फॉल ऑफ ए स्पैरो, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। वेयर ही कॉल्स और यहाँ वे बताते हैं द वाइल्ड लाइफ अ कैपिटल, जो वन्य जीवन है उसे एक पूंजी या धरोहर के रूप में मानते हैं एन एसेट्स एड सेज और उसको संपत्ति मानते हैं और कहते हैं द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल मस्ट बी यूज्ड, यानी जो हमारे पास संपत्ति है जो हमारी धरोहर हमारी पूंजी है उस पर हमारी रुचि बनी रहनी चाहिए। व्हाइल लिविंग द कैपिटल इट सेल्फ इंटैक्ट और उसको हमको सजो कर संभाल कर रखना चाहिए उस पूंजी को। दिस इज हाउ टू आई इंटरप्रेट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इसी वजह से मुझे वन्य जीवन को संभालना उनका रक्षा करना एंड बिलीव दैट फ्यूचर जनरेशन शुड एन्जॉय द सेम फन विथ दैट आई हैड, जिस तरह से मैं इस वन्य जीवन का आनंद ले रहा हूँ उसी तरह से आने वाला जनरेशन भी इस वन्य जीवन का आनंद लेगा, लेकिन कब, जब मैं इस पूंजी को इस संपत्ति को संभाल के रखूंगा और जाते समय अपने आने वाली जनरेशन को सौंप कर जाऊंगा। द बर्डमैन इज सर्वाइव और जो बर्डमैन है वह उनका जीवन चक्र तो इस तरह से उनका कार्य जो किया गया वो तो गतिमान रहा बाई हिज बुक ऑन हिज बर्ड्स दैट ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल यूज टू एन्जॉय बर्डिंग, और एक छोटा सा ग्रुप लोगों का जो उनके पुस्तक में लिखी गई बातें थीं उनके द्वारा पक्षियों का वो आनंद लेता हुआ या लिया एंड एंड्योर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द
वाइल्ड लाइफ, और प्रयत्न भी किया वह कि वन्य जीवन की जो है सुरक्षा कर सके, उसके लिए उन लोग छोटे से ग्रुप के लोगों ने प्रयास भी किया उनकी किताबों को पढ़ करके। डॉक्टर अली इज नो मोर, अब हमारे बीच डॉक्टर अली तो नहीं है, बट हिज लीजेंसी लिव्स ऑन, लीजेंसी यानी वारसा, उनकी जो वारसा है या उन्होंने जो हमको ये जो है बता कर गए हैं, हम वन्य जीवन के बारे में हमको ज्ञान देकर गए हैं, वो ज्ञान अभी भी हमारे पास है। लेट्स पे द ट्रिब्यूट टू द बर्डमैन By learning to identify a few birds around us, अब चलो हम बर्डमैन के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, उनके कुछ द्वारा कुछ पक्षियों के बारे में हमारे आसपास जो पक्षी हैं उनको हम पहचान करके उनकी प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। बिफोर यू स्टार्ट स्टडी द नेम्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड गिवन इन द पिक्चर, आपको मैंने शुरुआत में ही दिखाया कि एक पक्षी का चित्र दिया हुआ है तो उसमें अलग अलग उसके नाम दिए गए हैं, उसके जो पार्ट्स हैं बॉडी पार्ट्स वो दिए गए हैं, तो उसके पहले उसका थोड़ा हम अभ्यास कर लें। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द डिस्क्रिप्शंस एज वेल एज विल इनेबल यू डिस्क्राइब बर्ड्स, जब आप पक्षियों को बारे में उसका वर्णन करेंगे या उनके बारे में समझेंगे तो आपके वहाँ पर वो मदद रूप होगा। द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिप्शन सम कॉमन बर्ड्स अराउंड अस, हमारे आसपास सामान्य जो पक्षी होते हैं, तो ये जो कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं वर्णन किए गए हैं वो कॉमन है जो हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। रीड द फीचर एंड ट्राई टू नोटिस देम व्हेन यू सी देम नेक्स्ट, और आप इनके बारे में जानिए और जब कभी आप इनको देखिए तो इनका जो है इनके बारे में या इनको समझने का प्रयास करिए। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पर चित्र के अंदर पहला दिया यहाँ पर वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर इसकी साइज बताई गई बिटवीन मैना एंड पिजन, इसकी जो साइज है वह भारत में जो हमारे पक्षी पाए जाते हैं मैना और कबूतर, तो इनके बीच में यानी इनके साइज जितना इसकी साइज होती है लगभग 28 सेंटीमीटर, और वाइट थ्रोट इसका जो गला होता है वो सफ़ेद रंग के पट्टे इसके गले पर होते हैं, वाइट कलर होता है, एंड द सेंट्रल ऑफ दिस ब्राउन हेड, और इसका ऊपर का भाग जो होता है ब्राउन में होता है, एंड मोस्ट ऑफ अंडर पार्ट्स और बाकी के भाग जो है वो ब्राउन कलर में होते हैं। सील पॉन्ड्स ये तालाबों में पाया जाता है, पडल्स और ये चावल के जो खेत होते हैं जहाँ पानी भरे होते हैं वहाँ पाया जाता है, रेनफॉल डिच बरसात के पानी से भरे हुए गड्ढे जहाँ होते हैं वहाँ पाया जाता है, और इस तरह से यहाँ दिया है इन्विडेटेड यानी कि वाटर कवर्ड पानी से भरे हुए पेडी फील्ड जो होते हैं, तो पेडी फील्ड यानी चावल के बड़े बड़े जो खेत होते हैं जहाँ पानी भरे होते हैं तो वहाँ पर ये पाया जाता है। नियर सी सोर अर्थवा तो समुद्र के किनारे में, फूड इसका खाने का आहार है फिश है, उसके बाद टेडोपोल्स है, लिजर्ड्स है, ग्रास ओपर है, तो ये इसके खाने के रूप में मुख्य है। और उसके अलावा नेस्टिंग सीजन इनका जो होता है जो अपने साथी मित्र के साथ ये रहते हैं समय बिताते हैं वो है मार्च से जुलाई। उसके बाद आता है देखिए आप अगला दूसरा है इंडियन रोमिन, इसका साइज कैसा है स्पेरो जितना है, अपने जो चकली करने गौरैया कहते हैं लगभग 19 सेंटीमीटर, और इसका जो बताया अपीयरेंस बताया गया है ए ब्लैक बर्ड विथ वाइट पैच, पैच का मतलब दाग, इसके जो है पंख देखिए आप दिख रहा है कहीं पर छोटा सा, तो उस पर वाइट रंग का धब्बा जैसा दिखाई देता है इसके पंख पर। रेडिस वेंट मेल हैज वाइट सोल्जर्स एंड ब्लैक अंडर पार्ट्स, और इनका जो जो शरीर का जो सोल्जर के नीचे का भाग है वो बाकी का ब्लैक में दिखाई देता है। इनके खाने में है फूड में इंसेक्ट है छोटे मोटे जीव हैं, डियर एग्स और उन जीवों के अंडे हैं, वॉर्म्स, उसके बाद स्पाइडर्स है मकड़ी वगैरह है, ये इनके खाने। नेस्टिंग इनका सीजन है अप्रैल टू जून। उसके बाद आप देखेंगे तीसरे चित्र में लोरा पक्षी है, इसका साइज स्पेरो जितना है 14 सेंटीमीटर, ब्लैक एंड येलो बर्ड, ये काले और पीले पट्टे वाला या पीले कलर में एक पक्षी पाया जाता है, विथ टू वाइट विंग्स यहाँ दिया बार्स, और यहाँ पर जो है दो सफ़ेद रंग के जो विंग्स बार्स होते हैं उसके अंदर। मेल एंड फीमेल आर बेटर डिफरेंटेड बाय द ब्लैक टेल, और काली पूंछ से, एक काली पूंछ होती है दूसरे काली पूंछ नहीं होती है, तो उसके द्वारा से ये मेल और फीमेल को पहचाने जा सकते हैं। क्राउन एंड मेंटल ब्रीडिंग मेल्स वेरी फ्रॉम यहाँ दिया है यूनिफॉर्मली ब्लैक एंड ब्लैक मिक्स्ड
विथ मच येलो एंड मेंटल, और इनका जो क्राउन ऊपर का भाग जो है, जो इनका जो जिसको फोरहेड कहते हैं, तो वहाँ का भाग जो होता है वो लगभग ब्लैक है और दूसरे का ब्लैक नहीं है, ब्लैक टू ब्लैक दिखा जाता है। फूड इनका है इंसेक्ट और उसके जो है एग्स लार्वा, ये सब इनके खाने हैं और भोजन में उपयोग करते हैं ये लोग। और दूसरा है इनका नेस्टिंग सीजन बताया गया है इसके अंदर, आगे मई टू सितंबर। आगे आता है देखिए रेड वेटल लैपिंग, तो ये जो आपका बुक है उसकी इसी प्रोसेस का नाम लैपिंग पड़ा हुआ है, तो देखिए उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो ये क्या है, तो ये आपको बता रहा है देखिए कि एक विलेज हैं जो गांव की मुर्गी होती है पालते हैं, तो उसके साइज जितना होता है 32 से 35 cm बताया गया है। ब्लैक केप, और इसका जो ऊपर का सिर है वो काले रंग का होता है, एंड ब्रेस्ट, और इसका ब्रेस्ट यानी जो छाती का भाग है। रेड बिल, और इसका जो चोंच होता है वो लाल होता है विथ ब्लैक स्टिप, और उस पर काले रंग की पट्टी जैसी दिखाई देती है। एंड येलो लेग्स, इसके पैर पीले होते हैं। इनके फूड है इंसेक्ट्स, ग्रब्स एटसेट्रा। और दूसरा नेस्टिंग सीजन का है मार्च टू अगस्त, और इसमें खासियत है कि इट इज़ वन ऑफ द रेयर बर्ड, ये बहुत ही अद्भुत प्राणिया जो है, प्राणी है, दुर्लभ जो है पक्षी है, डेट ले एग्स ऑन ग्राउंड, ये अपने नेस्ट में जो है एग्स नहीं रखता है, ये अपने एग्स को रखता है ग्राउंड, जमीन पर अंडे देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर है पेडी बर्ड है अथवा तो पॉन्ड हेरॉन है, इसका साइज बताया गया है स्मॉलर देन कैटल कैटल एजर, यानी घर जो है घर आंगन में पाले जाने वाले पशु जो होते हैं उनके बच्चों जितनी इसकी साइज होती है, लगभग 40 से 48 सेंटीमीटर। अर्थी ब्राउन, और ये जमीन की तरह जो है ये ब्राउन इसका कलर होता है, मट्टी के कलर का होता है। इन कलर वेन एट रेस्ट बट विद द ग्लिस्टनिंग वाइट विंग्स, और इसके चमकते हुए जो है सफ़ेद रंग के जब उड़ता है तो इसके पंख दिखाई देते हैं चमकते हुए। टेल एंड रम फ्लैशिंग व्हेन इट फ्लाइज, यानी इसके उड़ते समय इसके पंखे और इसकी पूंछ चमकती हुई दिखाई देती है। इसके फूड में है फ्रॉग्स है, मेढक, फिश, मछलियाँ, क्रेब्स एंड इंसेक्ट और छोटे छोटे जीव। नेस्टिंग सीजन है मई टू सितंबर। नंबर सिक्स देखिए रिवर टर्न, तो रिवर टर्न में दिया साइज का क्राउन साइज का 38 to 46 इसका दिया है, कौए के जो है साइज का होता है ये। ऑरेंज येलो बिल, इसका चोंच होता है और ब्लैक कैप होता है, और उसके बाद ग्रेसिस वाइट अंडर पार्ट्स, और फूड में है फिश प्रॉन्स, और उसके बाद स्विमिंग क्रेब्स, ये सब है। नेस्टिंग सीजन इसका है मई टू जून। सातवां नंबर है ब्रॉन्ज विंग्ड जैकाना, और यहाँ पर देखिए साइज बताया गया है इक्विवेलेंट टू विलेज हैं, गांव में जो मुर्गे या मुर्गियाँ होती हैं उनके साइज का होता है 28 से 31 cm। डार्क अपर विंग्स एंड अंडर विंग ब्रॉन्ज ग्रीन अपर, इनका कलर बताया गया है, पार्ट एंड ब्लैकिश अंडर पार्ट, जो उनका जो नीचे का भाग होता है वो ब्लैक काले कलर में होता है। फूड इनका है सीड्स, अनाज खाते हैं ये, रूट्स जड़े खाते हैं और एक्सेट्रा। नेस्टिंग सीजन बताया है इनका जून टू सितंबर। लास्ट में एक बताया गया आपको आठवां नंबर है इंडियन रोलर या ब्लू जे, और इसका साइज बताया है पीजन कबूतर जितना 33 cm जितना। यहाँ पर दिया है रूफस ब्राउन ऑन नेप, इनका जो गला होता है उसके बारे में बताया जो ब्राउन में होता है कलर में होता है। एंड अंडर पार्ट्स वाइट स्टिकिंग ऑन ईयर, यहाँ दिया कोवर्ड एंड थ्रोट, इनके कान के आसपास और दूसरा इनके गले के आसपास जो है थोड़ा सा कुछ सफ़ेद रंग और येलो से मिलता जुलता कलर मिलता है। एंड ग्रीनिश मेंटल और कुछ हरापन इनके पंख के आसपास देखने को मिलता है। फूड है इंसेक्ट। नेस्टिंग सीजन इनका है फेब्रुआरी टू मार्च। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आपका लैपियन का रीड वन आज हमने यहाँ पर चर्चा किया है, और आपको पता है कि सप्लीमेंट्री रीडिंग आपके एग्ज़ाम के अंदर जैसे आपको वहाँ जो पूछा जाता है उसमें समरी आप जब बनाते हैं तो वहाँ पूछा जा सकता है, और इसके अलावा आपको पैराग्राफ आता है उस पैराग्राफ में से आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं जो आपको इसके अंदर, तो ऐसे प्रश्नों में आपका इसका उपयोग किया जाता है। और एक बार इसको आप हिंदी में समझ लिए हैं तो आपको समराइज करना हो या प्रश्नों के आंसर देना हो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, और इस तरह से आपका ये लेसन कम्प्लीट होता है।